मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा, उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी, डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा शपथ लेने के बाद रविवार को दिल्ली पहुंचे। शपथ लेने के बाद इनका यह पहला दिल्ली का दौरा है। ऐसे में मंत्रिमंडल विस्तार को लेकर अटकलें शुरू हो गई है। बता दें, दिल्ली जाने से पहले मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा ने शनिवार को राज्यपाल कलराज मिश्र से भी मुलाकात की थी। सूत्रों के मुताबिक भजनलाल शर्मा के मंत्रिमंडल में 10 कैबिनेट मंत्री और 10 राज्य मंत्री बनाए जा सकते हैं। मुख्यमंत्री भजनलाल शर्मा रविवार को विशेष विमान से दिल्ली पहुंचे थे। दिल्ली हवाई अड्डे पर आईएएस अधिकारी शुभ्रा सिंह ने उन्हें गुलदस्ता भेंट कर उनका स्वागत किया। उसके बाद उन्होंने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू, रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से मुलाकात की। इस दौरान उप मुख्यमंत्री दिया कुमारी और डॉक्टर प्रेमचंद बैरवा भी उनके साथ मौजूद रहे। राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करने के बाद भजनलाल शर्मा ने राष्ट्रीय अध्यक्ष जेपी नड्डा, गृह मंत्री अमित शाह, राष्ट्रीय संगठन महामंत्री बीएल संतोष के साथ बैठक की। इस बैठक में प्रदेश प्रभारी अरुण सिंह, प्रदेश अध्यक्ष सीपी जोशी, केंद्रीय मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, कैलाश चौधरी, अर्जुन राम मेघवाल, राजेंद्र राठौड़, सतीश पुनिया शामिल रहे। मुख्यमंत्री और उप मुख्यमंत्री की केंद्रीय नेताओं से मुलाकात के दौरान राजस्थान के नए मंत्रिमंडल गठन को लेकर विचार विमर्श हुआ और साथ ही प्रदेश में आने वाले दिनों में होने वाले कार्यक्रम के बारे में भी चर्चा की गई। ऐसे में संभावना जताई जा रही है कि एक या दो दिन में मंत्रिमंडल को लेकर स्थिति साफ हो जाएगी। पार्टी इस बार नए चेहरे को मंत्रिमंडल में शामिल कर सकती है, लेकिन 4 महीने बाद देश में लोकसभा चुनाव होने हैं। इस दौरान क्षेत्रीय और जातीय संतुलन भी बनाया रखा जाए, जिससे लोकसभा चुनाव के दौरान किसी भी वर्ग की नाराजगी का सामना पार्टी को नहीं करना पड़े। भजनलाल शर्मा दोपहर बाद जयपुर लौट सकते हैं। सूत्रों के मुताबिक शाम 5 बजे वो सभी विभागों के अतिरिक्त मुख्य सचिव, प्रमुख सचिव और सचिवों की बैठक ले सकते हैं। सचिवालय में होने वाली इस बैठक में मुख्य सचिव उषा शर्मा भी शामिल हो सकती है। बता दें, भजनलाल शर्मा ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से मुलाकात करने के बाद एक्स पर एक पोस्ट शेयर किया, जहां उन्होंने लिखा, महिला सशक्तिकरण की सबसे बड़ी प्रतीक राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू से शिष्टाचार मुलाकात की और उनका मार्गदर्शन मुझे प्राप्त हुआ। बाकी देश और दुनिया की तमाम खबरों के लिए आप देखते रहिए दी नगरी न्यूज। शुक्रिया।